क्या हुआ? वो क्या डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? एक बार आप सर से मिल, आजो आजो, ये पकड़ो आप एक बार. जज एक, she's a bit nervous because she has to perform in front of sir, in front of you. No worries. Just take his blessings and sing. Yes. अभी गाना है बाद में यहाँ पर. पक्का? चल आ जाओ पक्का. Come on. Come on, Deboshmita. Come on, Deboshmita. On cue, can we have some water, please? हम लोग साउंड चेक शुरू करते हैं. हाँ मेरा रैप ना, हाँ मैं गाऊंगा ना, ऑफकोर्स. कहाँ से गाऊँ बताओ, यहाँ पे बैठ के देखूँ आपका परफॉर्मेंस. Lily.
तो आओ मेरी मुश्किल दूर भगाओ. कैडबरी बोले मैं मीठा हूँ, कॉम्प्लान बोले मैं मीठा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, अमूल बोले मैं सच्चा हूँ. क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ? चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन. हो क्या गया है? पता नहीं सर. और सोचिए सर, नर्वस होने के बाद ऐसा गाया है. देबो, आज तुमने क्या खाया है? बताओ क्या खाया है? ऑमलेट पाव खाया. ऑमलेट पाव खाया है तो हमेशा ऑमलेट पाव खाया करो, बिकॉज ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है. इस लेवल की एनर्जी, सुर क्या लग रहे थे तुम्हारे, टोटल क्वालिटी, अल्फाज को महसूस करना, वोकल एम्पलीफायर अप डाउन, करेक्ट टाइमिंग, ओ माय गॉड. और रहमान साहब के इतने डिफिकल्ट गानों को ऐसे तुमने एफर्टलेस तरीके से गा दिया. Yeah, I think if she was nervous and I think she was waiting to explode. So she was like controlling her. And I think it's always like put people's expectations down so that we can excel. Good psychological trick. Oh, yeah, but the fact is that she sings very, very well. There is a legendary singer who does that always. She comes and says, oh, headphones are not working. I'm not hearing this stuff. After like 10 minutes, she'll just go. I won't tell who it is. Oh, come on. You have to tell now. Abhi to batana hi padega. The lady who sang the song. Achha. Asha ji ki baat kar rahe. Wo bhi aise hi karte. Congratulations. It sounded beautiful. Especially Tanha Tanha, you know, going on the Sindhu Bhairavi on top. I was just waiting for that note. Komal Ree to come in. You just nailed it. Thank you, sir. Thank you. Main yehi kahunga, jo hai, sama bandh diya inhone. मौसम बदल दिया. अब वो बेटी जो बिछा देना चाहती है अपने पापा की कदमों पर दुनिया का हर जॉय, देबोष्मिता रॉय. तुम मिल जाओ, जमाना
पैल करूंगी भूखे शेरों से खेलूंगी मैं मक्खन जैसे हथेले पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं हाय गहरे पानी की मछली हो राजा खाट खाट दरिया में घूमी हूँ मैं तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं जान ले बचलवा है My God, देबोस्मिता ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये जो लेवल की सिंगिंग तुम करने लगी हो हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं सके और उसमें फिर श्रेया भी जिसने ओरिजिनल गाना इतना ग्रेट गाया है वो भी अपने आप को रोक नहीं सकी Oh my God यार क्या तुम गाती हो यार Thank you sir Thank you कमाल यार कमाल To be very honest देबोस्मिता तुम्हें ऐतो भालो गेज हो তোমার গলাটা ভীষণ মিষ্টি ইউ হ্যাভ আ ভেরি সুইট ভয়েস থ্যাংক ইউ আগর তুম মিল জাও সে যাহা শুরুয়াত কি ওহা তো মেরা মতলব আই ওয়াজ মেল্টিং পিঘল গয়া মেরা দিল একদম প্যার মে ইশক মে ইনোসেন্স মে পিঘল গয়া থ্যাংক ইউ পর জেসে হি ও রিদম চালু হুয়া আই হ্যাড নো আইডিয়া কি তুম ইয়ে গানে ওয়ালি হো উসকে বাদ ক্যা চেঞ্জ অফ টোন এন্ড জো মতলব পুরা আপকা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কনফিডেন্স এন্ড ফান এন্ড মতলব অলগ জোশ तो ऑलरेडी इन दोनों गानों में तुमने पूरे दो स्पेक्ट्रम के दो किनारे दिखा दिए कि तुम कितनी वर्सेटाइल हो और नमस्कार खूब भाल लग लो एक टाइम मैं भी थी ऐसे स्टेज पर मेरे भी पापा मम्मी ऑडियंस में बैठ के मुझे हर परफॉर्मेंस में चीयर अप करते थे और वो जर्नी जो रही है ना अकेले की नहीं होती है पूरी फैमिली की होती है जो इच्छा होती है ना कि मेरी बेटी कुछ करेगी उसकी वजह से आज मेरे हर जो कदम पड़ते हैं जीवन में मैं यही सोचती हूँ एम आई मेकिंग माई डैड प्राउड एम आई मेकिंग माई मॉम प्राउड बट शी इज गोना मेक यू प्राउड मतलब ऐसा नाम रोशन कर रही है ऑलरेडी और कहाँ लेके जाएगी आपको आप देखते रहिए बस क्या बात है तो देबोस्मिता के लिए मौसम बदल चुका है ना नहीं नहीं आमरा बांग्ला ते करबो एटा यस हो जाए हां हां बोलो देबोस्मिता तुमी आबो हवा बदले दिए छो श्रेया आपने हमारे प्यारे एचआर के साथ भी बहुत सारा काम किया है और हमारे प्यारे विश्व सर के साथ भी बहुत सारा काम किया है मैं ये जानना चाहता हूं कि टास्क मास्टर इन दोनों में से कौन है मैं तो नहीं हूं मैं तो हुई नहीं अच्छा ये तो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं एचआर इज ऑल अबाउट डिटेलिंग बिल्कुल मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला व्हेन आई वाज ऑन द माइक अभी ही इज मच इन फैक्ट ही इज द फन एचआर आई एम सीइंग वे वो हाँ, शादी के बाद जब अंदर के दर्द उभरने लगते हैं तो चेहरे पे हंसी दिखानी पड़ती है श्रेया तुम समझ सकती हो मेरे दर्द बोल रहे हैं बैंगन भी खाना पड़ता है ताकि सोनिया खुश रहे और मुझे परेशान और टॉर्चर न करे आई लव यू सोनिया फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.